फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। हाँ, मेरी आवाज़ आप तक लोगों तक आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक लोगों तक पहुँच रही होगी। आप सभी लोगों को धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। आप सभी लोगों का स्वागत है। नया चैनल है तो हो सकता है आप लोग अभी जुड़ नहीं पा रहे हों। गुड मॉर्निंग वेरना नवगुलुंड। वेरना साहब, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पीआईबी एनालिसिस करते हैं, और इस पीआईबी की एनालिसिस फॉर्म में जो भी चीज़ें आती हैं, हम लोग उसको सिंपली पढ़ते नहीं हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। पूजा, हेलो। पूजा, हेलो, हाउ आर यू? आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। विभा सिंह, गुड मॉर्निंग। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग है। ये असल में सैटरडे और संडे जो है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सैटरडे और संडे हम लोग दूसरे चैनल पे चलेंगे, यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पे नहीं होगा। हम लोग जो है सैटरडे के दिन जो है, सैटरडे और संडे हम लोग जो है वो दूसरे चैनल पे वर्क किया करेंगे। उसको बोलेंगे B2M, बिगनर्स टू मास्टर चैनल पे हम लोग वर्क करेंगे। ये मैंने पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और जो लोग भी मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए होंगे उनको ये नोटिफिकेशन मिल जाता होगा। आयुषी पांडे, गुड मॉर्निंग। रिंकी रानी, गुड मॉर्निंग। विक्रांत राठौर, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी भी बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि सैटरडे संडे, असल में बेसिकली देखिए, हम लोगों का प्रोग्राम है मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, और सैटरडे और संडे हमको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करना है। सैटरडे और संडे हम क्वेश्चन आंसर लेंगे कि जो हमने पढ़ा हम उसको देखें कि हमने हमको आता है कि बस खाली हम पढ़ रहे हैं। अगर हम खाली पढ़ें और आए वाए ना कुछ तो फिर बेकार है। इसीलिए सैटरडे संडे का प्रोग्राम मैं बार बार डिसाइड कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँच नहीं रही है, तो कम से कम अभी हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये काम शुरू करें। इसीलिए संडे से, कल से क्वेश्चन तो मैं पक्का लूंगा मैं, क्योंकि मैं पिछली क्लास में भी क्वेश्चंस नहीं लिया था, और आज भी मैं थोड़ा स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ लोगों तक ये बात पहुँच नहीं पा रही है। तो आज की खबर लेंगे, लेकिन कल हम लोग क्वेश्चन आंसर ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी मेंस का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीटी में एक बार समझ बने तो हो सकता है आप टिक मार सकते हैं, लेकिन मेंस तो तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपकी समझ ही नहीं बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वहाँ पर उस चीज़ को करना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रिंकी रानी, आयुषी पांडे, राजकुमार साहब, सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। राजकुमार, नीरज कुमार, गुड मॉर्निंग। अच्छा, राजकुमार, नीरज कुमार हैं, ठीक है। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे वो करते हैं पब्लिक ओपिनियन। गुड मॉर्निंग भाई। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सीएससी को लेके हम लोग जो है सवेरे सवेरे आते हैं, और यहाँ पर चीज़ों को हम लोग पीआईबी एनालिसिस करते हैं। और इस पीआईबी के एनालिसिस में हम लोग खबरों को पढ़ते नहीं हैं, खबरों का पूरा एनालिसिस होता है। जैसे आज की खबर क्या है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। बड़ी ईजी खबर है कि भाई बहुत प्रॉब्लम हो गई है, और देश में राशन कार्ड का फर्जी बहुत बंटवारा है, और उस राशन कार्ड के फर्जी बंटवारे के कारण जो है वो सही लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये एक सिंपल सी खबर है, लेकिन इस सिंपल सी खबर को देखिएगा कितने भागों में तोड़ दिया गया है, कि कैसे जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क कैसे करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसमें कैसे भाग लेती है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कि ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भारत सरकार का उपाय क्या है। तो खबर कहाँ है और खबर का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। खबर खबर है करंट में, और उस खबर का है कि एक सिंपल सा राशन कार्ड आपका लीकेज है, लेकिन उस खबर को हम लोगों ने यूज़ कर लिया पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एफसीआई को समझने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जब हम बार बार चीज़ों को करते रहेंगे तो हमारी पकड़ उस विषय पर बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जब मैं पढ़ा लूँ, और एक बार क्या हो कि 2-4 महीने आप मुझसे पढ़ लें, उसके बाद कोई बुक उठाइए, बिना बुक पढ़े कल्याण नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो कल्याण होगा नहीं, ये एकदम क्लियर समझिएगा। मैं कितना भी पढ़ा दूँ, बुक ज़रूर पढ़ना है। और जो टीचर ये कहता है कि मुझसे पढ़ लीजिए, बुक की ज़रूरत नहीं है, वो जान लीजिए बहुत धोखा दे रहा है।
क्योंकि बुक पढ़ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डेवलप नहीं होगी तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आपको ये चीज़ें जो है बेहद ज़रूरी हैं, यहाँ पर ये काम करना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए जो है मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बुक्स जरूर, बुक्स रीडिंग्स आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। सोनम गुड मॉर्निंग बेटा, चलते हैं हम लोग। व्हाट विल यू गेट, क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस हैं, लाइट क्विजेस हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, ये सारी चीज़ें आपको क्या है यहाँ पर मिलती हैं और इन सारी चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। लाइव क्लासेस हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे पूरी मेरी क्लास इंट्रैक्शन मेथड पे होती है। मैं एक भी सिंगल क्वेश्चंस को नहीं छोड़ता हूँ, आपके द्वारा जो प्रश्न उठाए जाते हैं उनको ज़रूर ले लेता हूँ। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। हालांकि करंट का भी स्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकता है, करंट की चीज़ें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं हो सकती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको जाके वहाँ पे प्लस पे मिलेगा। हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड में मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रितु गुड मॉर्निंग, रितु पहली क्लास है, इज इट योर फर्स्ट क्लास रितु? रितु पहली क्लास है आपकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, मैं उम्मीद आप लोगों से ये करता हूँ। अगर मेरा मेरा संक्षिप्त परिचय लेना चाहते हैं तो मैं मुकुल देव जो है 2013 के बाद मेरा अनुभव है पढ़ाने का, और एक लंबा समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने के दौरान मैंने जो भी कुछ सीखा, पढ़ने के दौरान जो मैंने सीखा, पढ़ाने के दौरान जो सीखा, मैं आपको मदद कर रहा हूँ। मैं ज्योग्राफी, इकोलॉजी, डिजास्टर, सोसाइटी, इन सब विषयों पे, इन सब सब्जेक्ट्स पे, या इनके जो टॉपिक्स हैं इन पे मेरी अपनी एक पकड़ है, और उनको उसको मैं आपसे साझा करता रहता हूँ उन चीज़ों को लेके। ये है मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये मेरा अपना एक संक्षिप्त परिचय है। अगर आप देखते हैं कि टॉप 100 एजुकेटर्स, तो सुदर्शन गुजर साहब हैं, मुदित गुप्ता साहब हैं, अमन शर्मा साहब हैं, मृणाल पटेल साहब हैं, रोमन सैनी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, जो आपकी पूरी की पूरी चीज़ों को आपको क्या करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे ताकि आप क्या हों, आप आगे बढ़ सकें। तो ऐसी चीज़ों में उन लोग, वो लोग आपका सहयोग करेंगे। यहाँ पर फिर हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा प्लस के बारे में आप लोगों को फिर से एक बार वो कर देता हूँ, जिन लोगों को भी देखिए प्लस, जो लोग भी चाहते हैं लेना, वो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मुकुल देव मेरा कोड है, मेरा नाम ही मेरा कोड है, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में है, मुकुल देव मेरा कोड है। लाइव क्लासेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर, शेड्यूल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। 12 महीने का जो है 49,500 है, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो यू विल गेट 44,550 रुपीज़, यू हैव टू पे इट। और अगर आप ये करते हैं, देखिए याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर कभी किसी को ये लगता है कि ज़िंदगी सब कुछ फ्री है, तो कुछ भी फ्री नहीं होता है ज़िंदगी में, यू हैव टू पे समथिंग फॉर दैट। और पता है जो हम पे करते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ज़िंदगी के प्रति, और ज़िंदगी हमको लौटाती वही है जो हम पे करते हैं। एकदम बड़ा क्लियर रहेगा, जो हम इन्वेस्ट ज़िंदगी में करते हैं ज़िंदगी वही लौटाती है। कभी हम, पता है हम सबको सब कुछ चाहिए, मतलब अगर किसी से पूछें कि भाई गाड़ी चाहिए, बोलेगा हाँ BMW चाहिए, तो उससे पूछोगे इन्वेस्ट करोगे तो बोलेगा साहब पैसा कहाँ है। चाहिए सबको लेकिन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता है, तो ज़िंदगी लौटाती उतनी ही है जितना वो आदमी इन्वेस्ट करता है। प्लस कोर्सेस में थोड़ा सा चीज़ें सुविधापूर्ण रहेंगी, और अगर आप उसके ऑनलाइन के मतलब ऑफलाइन को अगर कभी कंपेयर करना चाहें, तो ऑफलाइन में आप ये जान लीजिएगा यही जो आप 44,550 दे रहे हैं, ये फीस 1.5 लाख रुपए के आसपास है, 1.25 लाख, 1,25,000, मतलब 1.25 से कम 1.5 लाख के बीच में है, और उसमें भी आना जाना, टाइम टेकिंग चीज़ें बहुत हैं। यहाँ एग्जैक्ट 8 बजता है कि मैं आपको उपलब्ध हूँ, या आप ऐप पे आप जाएंगे तो मैं उपलब्ध रहूँगा, या जहाँ पे भी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, 8 बजे बोल के 8:15 की क्लास होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा मतलब है वहाँ पे। अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो प्लीज़ आप कभी कंसीडर कर सकते हैं, उन लोगों से पूछ सकते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा है और लाइबिलिटी भी ज़्यादा है। तो अगर प्लस का कोर्सेज कोई लेना चाहता हो और उसको लगता हो कि सर से जुड़ना है, तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि सर हम ले रहे हैं, और आप मुझे बता भी सकते हैं कि मेरा कोड यूज़ किया जा रहा है, तो इससे मेरी चीज़ों मेरे जेहन में आपका नाम भी रहेगा, और मैं जो भी मदद कर सकता हूँ वो भी करूँगा। और कोई नहीं भी करना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वो मदद मुझसे चाहता है, चाहे वो अपने मेंटरशिप के लिए चाहता हो, चाहे वो एग्ज़ाम हॉल के लिए, चूंकि अभी अभी क्या हुआ कि टेलीग्राम पे मैंने लोगों को जोड़ रखा है, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मैं उनको आंसर भी कर रहा हूँ, और अगर ज़रूरत मुझको लगती है कि उनके क्वेश्चंस बहुत गंभीर हैं तो मैं उनको फ़ोन करके मैं उनसे बात भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सभी लोगों का सहयोग चाहता हूं, मैं भी करूं और वो भी मुझे करें। इसलिए अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो प्लीज़ आप कोड यूज़ कर सकते हैं। 24 महीने का 72,000 रुपये है, और ये आपको 64,800 रुपये देना पड़ेगा।
जो लोग नए हैं, जो लोग अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जिनको लगता है कि 2022 या 24 हमको टारगेट करना है, प्लीज़ आप ये इतना बेहतरीन कोर्स है, सोचिए आप अभी लेके 2 साल तक आप कोई फीस की कोई वृद्धि नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो आप ये चीज़ों को कर सकते हैं और यहाँ से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। अगर आप आइकोनिक कोर्सेज को थोड़ा सा ध्यान में दें कि आइकोनिक कोर्सेज को, तो आइकोनिक कोर्सेज में भी बड़ा अच्छा फीचर्स है। सबसे अच्छा फीचर जो मुझे अपीलिंग लगता है वो उसका मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम इसलिए अच्छा है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आप समझें, जैसे मान लीजिए PDS आप समझ रहे हैं मुझसे, ज़रूरी नहीं कि एक बात में समझ में आ जाए, तो हो सकता है आपका मेंटर आपको चीज़ों को बहुत हेल्प करे PDS समझने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पर्सनल कोच यहाँ पे बहुत आपको मिल जाएंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक। जो लोग भी 2020 चल रहा है, 2022 को टारगेट करना चाहते हैं, 2023 को टारगेट करना चाहते हैं, प्लीज़ इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि फीस में आप देख रहे होंगे कि फीस में लगातार हाइक हो रही है, तो आने वाले कल में फिर कभी वृद्धि हो जाए, चीज़ों में बदलाव आ जाए, तो ये ना हो इसके पहले आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो यहाँ पे 12 महीने की फीस 69,500 है। यहाँ पे आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मेरा कोड है मुकुल देव, मेरा कोड है वहाँ पे 62,550 रुपये में आप कर सकते हैं। 24 अगर महीने की फीस आप देखते हैं तो 1,07,000 है, यहाँ पे आप 96,000 रुपये आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ये चीज़ें हैं। मैं सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद फिर से कर रहा हूँ, जो लोग मुझको जुड़ चुके हैं। देखिए आज संख्या बल फिर बहुत कम हो गई, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जब हमको जाना होता है तो संख्या बल बहुत कम हो जाती है। मैं संडे से तो 100% ले ही रहा हूँ, कल से मैं क्लास लूँगा, चाहे 4 लोग हों चाहे 5 लोग हों, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। मैं पिछले 1 महीने से, मतलब 10 दिन से मैं प्रयोग शुरू किया हूँ और लगातार मुझे रोकना पड़ रहा है, जबकि आप यकीन मानिए यही वो कड़वा घूंट है जो आपको स्वस्थ करेगा। आपको हेल्दी रखने का एक कड़वा घूंट यही होता है, वो होता है प्रैक्टिस। कभी भी किसी भी आदमी को अगर बहुत अच्छा करना हो तो उसको प्रैक्टिस सेशन में डाल दीजिए, हमेशा याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेशन में अगर वो गया आदमी, मतलब आपको थ्योरी कोई कितना भी बता ले, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस सेशन में आप उसको डाल दीजिए, बॉल को बैट पे कैसे लेना है ये कोई कितना भी बता दे, लेकिन अगर उसको खेलने की प्रैक्टिस सेशन में डाल देगा ना, तो वो आदमी परफेक्शन की ओर चला जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेशन। भाई द्रोणाचार्य कभी नहीं एकलव्य के पास थे, लेकिन उसको जो ज्ञान मिला था वो उसके प्रैक्टिस सेशन से मिल गया था। तो प्रैक्टिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो लोग खाली पढ़ने में विश्वास रखते हैं, वो याद रखिएगा कि वो बैठने में भी विश्वास रखेंगे, बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते ही रहेंगे। लिखना बेहद ज़रूरी है, नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है, नोट्स लिखना और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, चाहे वो MCQs का हो चाहे वो, क्योंकि आप MCQs अगर करेंगे तो आपका दिमाग पे बल पड़ता है, आप अपने ज्ञान को यूटिलाइज करते हैं, तो ये यहाँ पे होगा। जब आप लिखेंगे किसी बात को तो आपके शब्दों का चयन होगा। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे शब्दों का चयन, अगर मैं पहले दिन जो पढ़ाने गया था और मैं जब आप आज पढ़ा रहा हूँ, शब्दों के चयन में बड़ा अंतर है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेशन में हूँ। जैसे ही 4 दिन में पढ़ाना छोड़ता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का लेवल या कहीं ना कहीं मेरे शब्दों का चयन जो है वो गड़बड़ होता है। सब कुछ प्रैक्टिस है दुनिया में, याद रखिएगा सब कुछ प्रैक्टिस है, इसलिए प्रैक्टिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं या चाहते हैं कि सर की मेंटरशिप मिले या सर से बात कर सकते हैं या किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ तक की, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुकुल देव मेरा कोड है। और जो लोग भी कहीं पे भी मुझसे बात करना चाहते हैं, जिनको लगता है, तो वो मुझे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करें, उन चीज़ों को देखें। तो ये चीज़ें हैं, चलते हैं आगे अपने टॉपिक को लेते हैं। और अपने टॉपिक को लेने के पहले मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दूं। एक बेहतरीन ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब आप ये देखिए कि लिटरेचर को अगर आप देखें तो मैथिली है, हिंदी है, कन्नड़ है, तो जिनको लिटरेचर में बहुत ही आनंद आता हो ये ले सकते हैं। जिनको लगता हो कि नहीं नहीं लिटरेचर नहीं सर, यहाँ पे हमको ज्योग्राफी लेना है या सोशियोलॉजी लेना है या साइकोलॉजी लेना है या एंथ्रोपोलॉजी लेना है, उनके पास भी ऑप्शंस हैं, तो आप इस ऑप्शंस का प्लीज़ यूज़ करिए। और अगर आप देखें तो यहाँ पे 12 महीने का कोर्स एक ठीक ठाक कोर्स है, जिन लोगों को 27,500 रुपये यहाँ पे आपको मिल सकता है, तो आप इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं, आप इस कोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मुकुल देव कोड यूज़ करके आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जब आप मुझसे जुड़ते हैं या मेरा कोड यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझसे जुड़ते हैं, आप पूरे जो अनअकैडमी का पूरा प्लेटफॉर्म है उस प्लस कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं, कि आप सबको यूज कर सकते हैं, आप सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बड़ा एस्पेक्ट है। चलते हैं, मेरा कोड आपके सामने फिर से मैं लेते आ रहा हूं, मुकुल देव मेरा कोड है। चलते हैं कल की खबर को थोड़ा सा लेते हैं, और कल की खबर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सारे लोग थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। कल की खबर को थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं कि कल की खबर क्या आ रही है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। असल में हो क्या रहा है कि जो है राशन कार्ड भारत सरकार का एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट है। जो राशन कार्ड है हमारा, जो राशन कार्ड है वो बेहद अहम डॉक्यूमेंट है हमारा,
और ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों को सरकार की तरफ से क्या मिलता है, इस राशन कार्ड को अगर आप कभी भी लेके जाएंगे, ये जो माता हैं ये यहाँ इनके पास लेके आई हुई हैं अपने राशन कार्ड को, तो इस ये राशन कार्ड सरकार का एक डॉक्यूमेंट है। और जिस डॉक्यूमेंट के तहत क्या हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये सब्सिडी रेट पर अनाज और दूसरी चीजें माताजी को क्या कर देता है, यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर रहा है कि भैया तुमने राशन कार्ड दिखा दिया है, ये सामान तुम्हें चाहिए और ये सामान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो जाहिर है कि हुआ क्या, इस बीच हो क्या रहा है कि ज्यादातर लोगों के पास ये राशन कार्ड उपलब्ध है और वह इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात इस बीच यह घटी कि कहीं ना कहीं इन बीते हुए वर्षों में, मतलब ये राशन कार्ड चूंकि ये शुरू किया गया कि लोगों तक आसानी से मतलब फूड ग्रेन्स की पहुंच को हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें, लोगों तक उस चीज को हम दे सकें, लेकिन इस बीच हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि बीते सालों में 4.5 करोड़ से आसपास फर्जी राशन कार्ड जो है वो भारत सरकार ने ट्रेस किया है। मतलब डाटा, अगर डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4.39 राशन कार्ड है जो आज कल के PIB के रात शाम के न्यूज में आया है, तो ये डाटा नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि राशन कार्ड में जो धांधली है, राशन कार्ड में जो लीकेजेस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो कहीं ना कहीं 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड बनाए गए और देश भर में राशन कार्ड से जुड़े इस फर्जीवाड़े में जो है, ये जो आंकड़ा है ये खुद जो है, जो राशन कार्ड या जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसको उपभोक्ता या खाद्य जो है सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कहा जाता है, उस मंत्रालय ने कल ये बात जारी की है और उसने कहा कि राशन कार्ड का क्या हो रहा है, राशन कार्ड का एक तो मिसयूज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, मिसयूज के साथ साथ लीकेजेस हो रहे हैं, लीकेजेस हो रहे हैं। मतलब वह जो राशन कार्ड है वो इस उद्देश्य से लाया गया कि लोगों तक आसानी से पहुंच किया जाए सेवाओं की, और ताकि जो है सबको खाद्य सुरक्षा मिल सके। वहीं पे अब क्या हो रहा है कि लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, वहां से वो सस्ता अनाज ले रहे हैं और वापस दुकान पर जाकर बेच दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं ले रहे हैं और 7-5 रुपया किलो गेहूं बेच रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, उस गेहूं का उपयोग जो है जो साहूकार है वो 10 रुपये या 12 रुपये या 15 रुपये में बेच रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा लीकेज देखने को मिल रहा है और सरकार ने इस राशन कार्ड या सरकार ने खत्म किया, सरकार जो है इस फर्जी राशन कार्ड को खत्म करने पर भारत सरकार ने प्रयास किया है। और भारत सरकार क्या कर रही है, इन ताजा आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उसने ज्यादातर जो फर्जी या डुप्लीकेट जो राशन कार्ड बना दिया गया उसको क्या कर दिया, उस कार्ड को देश भर में जो गलत तरीकों से बनाया गया, सरकार ने एक्शन लेते हुए इन फर्जी राशन कार्डों को खत्म कर दिया और इनकी जगह पे वो सही या योग्य लोगों की तलाश उसने जारी रखी है कि सही या योग्य लोग कौन हैं जिनको ये राशन कार्ड की जरूरत है। मेरी बात समझ में आ रही है, इज इट माय पॉइंट क्लियर, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, मैं किस किस विषय पे बात कर रहा हूं। अगर हो तो जी लिख दीजिए, हो तो जी लिख दीजिए। रिंकी रानी गरिमा, आज बहुत कम लोग हैं, पूजा, विक्रांत राठौर, रिंकी रानी, वही है मेरे जो सारे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग हैं। सोनम गुड मॉर्निंग बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है कि हम लोग किस विषय पे बात कर रहे हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना सब तक, किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है, सब लोग चले गए क्या? अच्छा हाँ विक्रांत सर, आप वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कर रहे हैं। मैं वन नेशन वन राशन कार्ड की बात अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, अभी वन नेशन वन राशन कार्ड तो बात कर ही लेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ साहब कुमार यादव साहब की, सर आपको कमेंट्स नहीं मिल रहे, अभी मिला जाके। साहब कुमार यादव जी, मैं ये इस विषय पे बात कर रहा हूँ कि जो उपभोक्ता का जो मंत्रालय है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, उसने कल जो है वो ये बात किया कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो वर्क करता है राशन कार्ड के सहारे, वो राशन कार्ड का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा भारत में है कि कम से कम आप यह जान लीजिए कि 4.5 से 5 करोड़ के आसपास, ये क्या है, ये 4.5 से 5 करोड़ के आसपास लोगों में क्या है, फर्जी राशन कार्ड यूज हो रहा है या डुप्लीकेट राशन कार्ड यूज हो रहा है। और इस डुप्लीकेट राशन कार्ड के यूज होने के कारण जो सही लोग हैं जिनको वास्तव में चाहिए, उन लोगों का ही नहीं, करीब तकरीबन ये माना जाता है कि 8 से 10 करोड़ लोगों तक ये जरूरत एकदम जरूरी है। लेकिन अगर 4.5 करोड़ लोग उसमें फर्जी हैं तो हम जो सही लोग हैं उन तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं।
तो हम सही लोग हैं यार। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्लास में अगर आप लेट हुए, समझिएगा, देखिए मेरा टॉपिक कभी फ्लैट नहीं होता है, मैं बहुत फ्लैट नहीं पढ़ता। जैसे होता क्या है, वहां पे आपको इजी हो जाएगा, जहां पर आप क्या करेंगे, बहुत ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि हाँ ठीक है टॉपिक में कभी भी करें। देखिए एक हॉलीवुड मूवी होती है, एक बॉलीवुड मूवी होती है। बॉलीवुड मूवी में आप कहीं पे भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आने लगेगा जो। लेकिन हॉलीवुड मूवी में ना, अगर आप कभी भी टाइम से नहीं ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या मामला चल रहा है। तो यहाँ थोड़ा हॉलीवुड टाइप मामला है। तो पहले इसको जो है वो हम लोग क्या है कि हम लोग टाइम से ज्वाइन किया करें। और साहब कुमार यादव जी, ये सब मतलब नहीं होता, रामविलास पासवान मंत्री थे कि पीयूष गोयल थे, ये यूपीएससी पूछेगा क्या आपसे कि साहब कुमार यादव जी बताइए हाथ उठा के कि रामविलास थे कि पीयूष गोयल थे, ये सब नहीं पूछता है। तो ये सब यहाँ क्वेश्चन मतलब रेलिवेंट क्वेश्चन का खूब किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इन लीकेजेस में क्या है, इन लीकेजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई और यहाँ पर इतने लीकेज हो रहे हैं। तो भारत सरकार ने, या भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट है, वो ये क्या चाहता है, तो वो भारत सरकार क्या चाह रही है कि देश भर में टेक्नोलॉजी आधारित सुधारों को भारत सरकार चाह रही है कि हम क्या करें, हम टेक्नोलॉजी आधारित सुधार करें। और उस टेक्नोलॉजी आधारित सुधारों के कारण जो है, हम क्या करें, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, हम उसको क्या करें, हम उसको सही करें, और उसको सही करके हम उन सभी लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसको जरूरत है, जिनको जरूरत है। तो ये है कल की न्यूज। अब इस न्यूज को हमको कैसे टैकिल करना है, तो हमको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि ये पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक जगह पीछे लेके जाना चाहता हूं कि थोड़ा सा हम लोग और चीजों को समझ लें कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमको समझने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझने के लिए याद रखिएगा एक चीज है कि हर हर चीज का कहां से निकल रही है, सबको आना है फूड सिक्योरिटी के ही ऊपर। और एक एविबिलिटी, याद रखिएगा, एक शब्द होता है एविबिलिटी, एक शब्द होता है एक्सेसिबिलिटी, एक होता है स्टेबिलिटी, और एक होता है यूटिलाइजेशन। एबिलिटी का मतलब होता है कि वहां पर लोगों की जरूरत क्या है, ये ध्यान में रखना। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच सुनिश्चित करना, पहुंच। तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो भारत सरकार का पीडीएस है, ये क्या करता है, एक तो एबिलिटी पे बहुत ध्यान देता है और दूसरा एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान देता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अभी समझा भी रहा हूँ, चीजों को घबराइएगा मत। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपका पीडीएस जो है, वो वर्क कैसे करता है, वो चीजें कैसे शुरू हुई, तो बात मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि 1947 में जब भारत सरकार आजाद होती है, तभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नींव पड़ जाती है और वहां से सार्वजनिक वितरण प्रणालियों पे जोर भारत सरकार देना शुरू करती है। और इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गरीबों के लिए सब्सिडी दर पर खाद्य, देखिए ये बातें कहीं मिलेंगी नहीं, सर्फ एक्सल का दाग होगा, मिलेगा नहीं कहीं, बात बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये 1947 के आसपास इसमें बहुत सारा शुरुआत की गई। उसके बाद क्या हुआ कि गरीबों के लिए सब्सिडी दर पर खाद्य तथा अखाद्य पदार्थों का, ये हुआ कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लेके जाएं। और जब हम ये शुरुआत किए, तो उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय जो है, इसका एक नोडल एजेंसी हमने बनाया कि ये उसको करेगा। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि इन चीजों को हमने ये पाया कि ये बेहतरीन काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने एक नया सिस्टम लाया और जिसको कहा कि टारगेटेड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसकी जो शुरुआत हो रही है वो 1997 में हो रही है, रियलिटी में 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एक शुरुआत हो रही है। थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो जो फार्मर है, मान लीजिए कोई किसान है, ये किसान है, ये अपनी फसल निकाला और ये फसल उसने क्या किया, इसने गेहूं निकाल रखा है। अब ये जो गेहूं है, इस गेहूं को क्या होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के बिहाफ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करेगी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदारी करेगी। अब जरा यहां पे एक चीज समझ लीजिएगा, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे सोनम कहती है कि सर सब कुछ बता दिया करिए, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में इसकी स्थापना की गई। और इसका तीन काम याद रखिएगा, बस तीन काम ही जो याद रखेगा उसको सब कुछ याद होगा। एक काम उसका है कि खरीदारी करना है, खरीद करना है, खरीदारी करना है। किससे खरीदेगा वो, तो फार्मर से खरीदेगा, तो खरीदारी करना है। दूसरा काम क्या करना है, तो भंडारण करना है। भंडारण का मतलब होता है कि उस बड़े बड़े गोदाम होंगे, और वो गोदाम किसके होते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। अक्सर आप पेपर में पढ़ते होंगे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 100 कुंतल गेहूं सड़ा, तो वो 100 कुंतल गेहूं कहां से खरीदा, फार्मर से खरीदा,
और अपने यहाँ पे स्टोर करके रखता है, और अपने यहाँ स्टोर करने के कारण वहाँ बारिश होती है, वहाँ चूहे होते हैं, बेसिकली कुछ होता नहीं है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, और उठा के अपना क्या करते हैं, वो ये दिखा देते हैं कि इतना गेहूं सड़ चुका है, ताकि जो है बाकी जो सही गेहूं उसमें से होता है, जैसे 50 किलो सड़ा हुआ दिखाया और 50 किलो बेच देते हैं। तो ये पूरी कहानी होती है। हालांकि इस तरह के सोशल साइट्स पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए मुझको, लेकिन वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। 1965 में यहाँ पे स्थापना होती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। एक तो काम है खरीदारी करना, दूसरा काम है उसका भंडारण करना कि भाई भंडारण करना, और तीसरा काम क्या है, वितरण करना। वितरण करना, वितरण करने में अब ये तीन बात समझिएगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती किससे, फार्मर से खरीदती है। किस मूल्य पे खरीदती है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो चीजों को क्या कर लेगी, खरीद लेगी। खरीद कर अपने यहाँ क्या रखेगी, भंडारण रखेगी, अपने यहाँ रखती है, और उसको भंडारण को क्या करती है, स्टेट को एलोकेट करती है, स्टेट को देती है, राज्य सरकारों को देती है, और राज्य सरकार फिर क्या करती है, राज्य सरकार अपनी सार्वजनिक जो दुकानें हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, जो उसकी सार्वजनिक खाद्य की दुकानें, उन सार्वजनिक खाद्य दुकानों से सस्ते दामों पर क्या करती हैं, सस्ते दामों पर लोगों तक क्या करती हैं, जो कंज्यूमर है, जो गरीब आदमी है, उस तक वो पहुंचती हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है, फार्मर है, जिसमें फार्मर क्या करेगा, उपज करेगा। इस उपज की खरीदारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कौन कर रहा है, तो FCI कर रही है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसका क्या करती है, किसानों की को की खरीदारी करती है, उस खरीदारी का जो अनाज है उसका क्या करेगी, भंडारण करेगी, और जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत देना होगा तो स्टेट को क्या करती है, मुहैया कराती है कि आप इसको दे दीजिए। तो यहां पर वितरण उसका एक काम है, एक भंडारण काम है, एक खरीद काम है। ये बात किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पे, ये बात किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पे, साहब कुमार यादव यहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है खरीदारी करने में, भंडारण करने में और वितरण करने में, यहां पे कहीं कोई समझने में समस्या किसी को? रिंकी रानी, सोनम, विक्रांत राठौर, ये तो सर 2013 को दिखा रहा है, तो तुम काहे परेशान हो, 2013 से ही लीकेज बहुत चल रहा है ना, कल की न्यूज है, 2013 काहे तुम परेशान हो, ठीक है, 2013 से ही लीकेजेस बहुत है, वहां डाटा दे रखा है, वही डाटा उठाया गया है, ठीक है सोनम, नो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो यहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये चीजों को यहां पर ये फार्मर से लिया, यहां पे मेंटेन किया, यहां पे बफर स्टॉक्स होंगे, और ये बफर स्टॉक्स फिर क्या है, स्टेट प्रोवाइड, और फिर ये फेयर प्राइस शॉप्स पे राज्य की वो उन दुकानों पे जाएंगे, वहां से वो चीजें क्या है, वहां से वो चीजें लोगों तक पहुंचती हैं। तो ये हो गया कुल मिला के कैसे ये वर्क करता है। यहां पर वर्क करने के क्रम में देखिए, ये कहीं बात नहीं मिलेगी आपको, अगर आप किताबें पढ़ते हैं या कहीं नोट्स पढ़ते हैं या किसी को सुनते हैं, तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो शुरुआत है भारत में, वो आजादी के बाद से ही भारत सरकार इस पे काम करने लगी थी। भारत सरकार आजादी के बाद ही काम करने लगी थी, और भारत सरकार ये देख रही थी कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया कि 1997 में, 1997 में गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत सरकार ने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो PDS अब तक आप देख रहे थे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस PDS को भारत सरकार ने टारगेटेड किया, क्योंकि भारत सरकार ये देख रही थी कि आपके यहाँ पे पहले वर्ग एक हुआ करते थे, पहले अमीर बहुत कम थे, मुट्ठी भर थे, और लोग बाकी क्या थे, गरीब थे। बीच में क्या हुआ कि अब क्या हुआ, यहां पर मध्यम वर्ग उभर के आ गया, मध्यम वर्ग उभर के आया कि ये मध्यम वर्ग है, मैं यहां पे बना दे रहा हूं, पहले अमीर वर्ग एक था और एक गरीब था, लेकिन बीच में क्या हुआ, जब भारत सरकार ने विकास किया, बहुत सारी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चलाई, तो मध्यम वर्ग निकल के आया, और जो ये मध्यम वर्ग है ये अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में क्लासिफाई हुआ। तो भारत सरकार ने क्या किया कि वहां पर चीजों में ध्यान रखने के क्रम में, भारत सरकार ने लोगों को ध्यान रखने के क्रम में एक चीज यहाँ पे ध्यान दी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट किया कि एक काम करिए, उन लोगों को लक्षित करिए जिन लोगों को सर्वाधिक जरूरत है इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जिन लोगों को सर्वाधिक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया की शुरुआत 1997 में हो रही है। और इसमें जो है गरीबों की पहचान के लिए पूर्ण प्रमाणित व्यवस्था तैयार करना और लागू करना आवश्यक था कि आप गरीबी को कैसे प्रमाणित करते हैं, कौन गरीब है कौन अमीर है, इस बात को ध्यान देना सर्वाधिक जो है वहां पे इंपॉर्टेंट था। और यह जो कार्यक्रम है उपभोक्ता मामले का मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, ये पूरी की पूरी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ये बातें हुई। और इस बात में फिर एक नया मोड़ आया कि ये योजना आयोग ने परिभाषित किया कि जो गरीबी रेखा के आधार पर पूरी आबादी को
योजना आयोग ने कहा कि जो गरीबी रेखा है, जो पावर्टी लाइन है, इसकी पूरी आबादी को गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर उन्होंने बांटा। जो होल इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन को उन्होंने डिवाइड किया कि ये क्या है, एबव पावर्टी लाइन है, ये ऊपर है और ये नीचे है, बीपीएल है, एबव पावर्टी लाइन और बिलो पावर्टी लाइन इन्होंने बांटा। इन्होंने मतलब जो भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य ये मंत्री हैं, यहां से ये चीजों को रखा गया। और इनके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस है, टीपीडीएस इसको बोला गया, टी जरूर लगा लीजिएगा, तो जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें ये कहा गया कि भाई जो एबव पावर्टी लाइन है उनको जो भी पीडी उनको भी दिया जाएगा और इनको भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी एक को दिया जाएगा, उनको भी राशन कार्ड के थ्रू दे दिया जाएगा और इनको भी दे दिया जाएगा। लेकिन देने के क्रम में इन्होंने कहा कि जो बिलो पावर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा से भी नीचे रह रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको गेहूं 2 रुपया किलोग्राम, चावल 3 रुपया, बाजरा 1 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीपीएल परिवारों को यहां पर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम क्या करेंगे, अनाज को मुहैया कराएंगे। अब यहीं पर समझिएगा कि जब ये बात कही गई तभी से सारी व्यवस्थाएं क्या हो गई, तभी से सारी व्यवस्थाओं के चौपट होने की शुरुआत हो गई। होता क्या है कि जब ये कहते हैं कि हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत हम क्या करेंगे, गेहूं को 2 रुपया देंगे, तो अब क्या हुआ कि ये जो गरीब है, तो लोगों ने क्या किया कि एपीएल और बीपीएल में दुनिया बटी हुई थी, भारत बटा हुआ था, तो जो एपीएल के लोग हैं वो अपने आप को बीपीएल घोषित कर लिए। और क्या हुआ कि उनको तो जरूरत 2 रुपया गेहूं की है नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस अनाज को लेके 2 रुपया में खरीदते हैं और मंडी या दुकानदार या साहूकार के पास जाके उसको 6 रुपया 7 रुपया क्या करते हैं, बेचते हैं। और वो किसके माध्यम से करते हैं, वो राशन कार्ड के माध्यम से करते हैं। वो राशन कार्ड, जैसे आपको मैंने अभी पढ़ाने के दौरान क्या कहा, मैंने कहा ना कि जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें जो लोगों को शामिल किया गया, उनमें जो पहचान होगी गरीबों की, वो क्या होगी, वो पूर्णतः प्रमाणित करने की बात की गई कि उसको पूर्णतः प्रमाणित करिए। और जब पूर्णतः प्रमाणित व्यवस्था तैयार करने की बात की गई, इसी पूर्णतः प्रमाणित व्यवस्था को तैयार करने में सबसे बड़ा जो है घोटाला कर दिया गया कि पूर्णतः प्रमाणित व्यवस्था में कि भैया एक काम करिए, उन्होंने कहा कि एपीएल को भी मिलेगा और बीपीएल को भी मिलेगा, लेकिन बीपीएल को थोड़ा सस्ता मिलेगा, 2 रुपया किलोग्राम मिलेगा, 3 रुपया किलोग्राम मिलेगा, 2 रुपया किलोग्राम जो है गेहूं मिल जाएगा, 3 रुपया किलोग्राम आपको जो है वो चीजें मिल जाएंगी, 1 रुपया आपको जो है बाजरा मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, जो एपीएल के लोग थे वो बीपीएल में शामिल होकर अपने लिए व्यवस्था का क्या करने लगे, निर्माण करने लगे, और उसको फिर जाके साहूकार या दुकानदार तक क्या करने लगे, बेचने लगे। यही सबसे बड़ा घोटाला है और यही राशन कार्ड का सबसे बड़ा लीकेज है। इसी राशन कार्ड के लीकेज को 2013 से ये प्रवृत्तियां और बढ़ती गई। कल जो है ये मामले पे कैंची चलाई गई और ये कहा गया कि आप वो स्मार्ट सिस्टम या स्मार्ट ग्रिड तैयार करिए ताकि इन जो फर्जी राशन कार्ड के लोग हैं इन पे कैंची चले, इनको इनको घटाया जाए। और लगातार इस पे भारत सरकार काम कर रही है क्योंकि भारत सरकार ने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो लाया, टारगेटेड पंकज पाठक आ रही है, रिक्की रानी नहीं सर, गरीब कल्याण रिंकी रानी नहीं सर, क्या है नहीं सर का मतलब बताओ, क्या है मतलब, नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? अनाज दिलेर खाना लायक नहीं रहता है, मैं भी बीपीएल में हूं सर, अनाज खाने लायक नहीं रहता। बेटा यही तो सिस्टम, यही तो सबसे बड़ी लीकेज है। अभी चलिए मैं बात कर लेता हूं उस पर, अभी मैं बात कर लेता हूं कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो अभी रिंकी रानी जी का जो सवाल है, मैं अभी थोड़ा मुझे टॉपिक कंप्लीट कर लेने दीजिए फिर मैं आपको बताता हूं, मैं आपको टॉपिक थोड़ा सा मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो ये भारत सरकार का जो कल की न्यूज आई वो यही आई कि यहां पर हम क्या करें, हम लीकेजेस को कम कर लें, हम लीकेजेस को कम करें, हम फर्जी राशन कार्ड जो है उसको कम करें, हम वास्तव में सही लोगों की पहचान करें, सही लोगों की पहचान करें, ये सब बातें की गई। अब उस सही चीजों को करने के लिए भारत सरकार जो है वो एक योजना शुरू कर रखी है और डिजिट उस योजना का नाम है डिजिटलाइजिंग इंडिया टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारत सरकार जो लक्षित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो लक्षित शुरू की है, उसमें भारत सरकार ने सबसे बड़ा काम ये किया कि वो पहले से ही डिजिटलाइजेशन कर रही है। और इस डिजिटलाइजेशन का प्रभाव क्या होगा, मतलब अभी इसका इंपैक्ट अभी देखना बाकी है, तो वो क्या कह रही है कि पूरा का पूरा कंप्यूटराइजेशन ऑफ टीबीडीएस ऑपरेशन कर दीजिए। इसमें एक जो मॉडल भारत सरकार देती है वो छत्तीसगढ़ का मॉडल देती है, और छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो दुनिया भारत के सामने बेहतरीन मॉडल है।
छत्तीसगढ़ का मॉडल है, जो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ पे पीडीएस सिस्टम लागू किया और इस पीडीएस सिस्टम को उसने पूरे भारत में ये दिखाया कि देखो हम कैसे बेहतरीन तरीके से लागू कर रखे हैं। और उसमें उसने क्या किया, उसने उसमें सबसे बेहतरीन काम कर दिया हर तरीके से, उसने मतलब इतनी बेहतरीन व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी उसका गलत यूज कर ही नहीं सकता है। उसने इस व्यवस्था में ऐसे ऐसे चीजों को ला रखा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को अगर आप देखेंगे तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। जितने भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में छत्तीसगढ़ मॉडल में दुकानें हैं जो बेचेंगी, तो उनके पास कितना स्टॉक है वो स्टॉक हमेशा उनको मेंटेन करना होता है, स्टॉक मेंटेन करना होता है। जिनको दे रहे हैं उनका क्या है, उनका पूरा कंप्यूटर पे नाम होगा, उनकी सारी चीजें होंगी। जो गाड़ियां लेके आती हैं स्टॉक को, उन गाड़ियों का अपना पीला कार्ड होगा और वो गाड़ियां कहां से निकल रही हैं, कहां जा रही हैं, वो पूरा का पूरा जीपीएस के आधार पे होता है। और हर चीज वहां पर इतना ज्यादा कंप्यूटराइजेशन है कि वहां पे पूरी की पूरी तरह से लीकेजेस क्या हो गए, जो भी वहां पे लीकेज था वो लीकेज रुक गया। इसी को देखते हुए भारत सरकार के सामने जो छत्तीसगढ़ मॉडल था, इसी छत्तीसगढ़ को मॉडल को भारत सरकार ने सोचा कि हम यूज करें। और उस यूज करने के क्रम में अब उसने क्या कहा, एंड टू एंड, मतलब जहां से खरीदा गया, फार्मर से खरीदा गया, और फार्मर से खरीद के फिर कहां जा रहा है, एफसीआई में जा रहा है, मतलब यहां पे भंडार हो रहा है, और भंडार होने के बाद ये फिर कहां जा रहा है, फार्मर से खरीदा गया, फार्मर से खरीदने के बाद एफसीआई के पास गया, एफसीआई से ये स्टेट के पास जा रहा है, स्टेट से कहां जा रहा है, कंज्यूमर के पास जा रहा है। तो भारत सरकार चाह रही है कि एंड टू एंड, इस एंड से लेके इस एंड तक क्या कर दिया जाए, हर चीज कंप्यूटर पे, कितना एफसीआई ने खरीदा ये कंप्यूटर पे, उसको रखने और उसको भंडारण करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई वो कंप्यूटर पे, जब वो स्टेट को दे रहा है तो वो कंप्यूटर पे, स्टेट से जब कंज्यूमर तक, तो स्टेट से कंज्यूमर तक जाने में क्या है, फेयर शॉप्स आएंगी, जो दुकानें हैं उन दुकानों तक वो कंप्यूटर पे, और उस दुकान से जो कंज्यूमर खरीदने आएगा वो कंज्यूमर की अपनी आईडी होगी, और वो आईडी कैसी होगी, आधार लिंक आईडी होगी, और उस आधार लिंक की आईडी से अगर वो अपना राशन कार्ड पे लेता है तो कितना किलोग्राम गया है, ये एकदम सही सही जानकारी होगी। तो ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर ही घोटाला करता है। देखो हमारे, अरे विक्रांत राठौर, ये सब नहीं लिखा जाता कि हमारे यूपी में नहीं हो सकता है सर कभी। अरे भाई यहाँ यूपी, तुम डीएम बनने आए हो ना, अगर अप्रोच, देखो डीएम बन के अप्रोच रखोगे साहब कुछ तो होने ही वाला नहीं है इस देश का, तो क्या फिर वो पूछेगा ना सीएम आपसे कि तब क्या आप डीएम बन के बैठे हो, छुट्टी पे जाओ, जब कुछ होने वाला नहीं है तो छुट्टी पे चले जाओ। आपको अप्रोच हमेशा ये रखना है, देखिए यहाँ व्यवस्था को समझना है और व्यवस्था को समझ के कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करना है तो करना पड़ेगा, इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर घोटाला सबसे बड़ा घोटाला, इसमें डाउट भी नहीं है। देखो दो जगह पे सबसे बड़ा घोटाला है, एक तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे बहुत बड़ा दिक्कत है, और दूसरी दिक्कत यहां पर है ये जो फेयर प्राइस पे है। तो यहां पर अभी देखते हैं, एक एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन पे बात की गई है, दूसरा कहा गया कि जो भी राशन कार्ड है वो राशन कार्ड अब क्या होगा, वो डिजिटलाइजेशन होगा, मतलब मेरे कंप्यूटर में मैं दुकानदार हूं और मेरे दुकान पे अगर कोई आ रहा है तो उसने अपना राशन कार्ड दिखाया, मैंने उस राशन कार्ड को क्या कर दिया, मैंने उस राशन कार्ड को जैसे ही डाला, उसके आईडी को डाला, तो उसका पूरा घर का वितरण मुझको समझ में आ रहा है। मैं बता रहा हूं चंदा, मैं बता रहा हूं, मैं क्वालिटी पे अभी आ रहा हूं, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे पहले ये तो पढ़ा लेने दो बेटा, पहले पढ़ा लेने दो भाई, ये बतिया बता लेने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे ये बता लेने दो, मैं क्वालिटी पे आ रहा हूँ। दूसरी क्या है यहाँ पर कि भाई डिजिटलाइजेशन आप राशन कार्ड का करिए, जो राशन कार्ड कोई लेके आता है कि हाँ सर मुझे खाना मुझे चाहिए, उसका क्या हो कि यहाँ पर ये आधार कार्ड से लिंक हो और सब्सिडी भी लिंक हो। सब्सिडी जो दुकानदार यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये इसको दिया और सब्सिडी दुकानदार के खाते में क्या हो जाए, आ जाए, कि जो उसने कम मूल्य पे दिया उसका पैसा उसको यहाँ पर जो है चीजों को मिल जाए। तो ये बात की जा रही है कि आप उसको करिए, आधार कार्ड को करिए। और ऑनलाइन एलोकेशन, फेयर प्राइस जो शॉप्स हैं जिनको आपने कहा, इनका ऑनलाइन एलोकेशन हो। पहले क्या होता है, भाई भतीजावाद के आधार पे जो है जिला से कि ये दुकानें इतनी होंगी, नहीं, इसकी टेंडरिंग हो और उनको टेंडर मिले जो रियल लोग हों। तो ये ऑनलाइन एलोकेशन की बात की गई कि ऑनलाइन एलोकेशन होगा फेयर प्राइस शॉप का, ये नहीं होगा
कि मेरी ही दुकान किसकी है, मेरी ही अपनी जो है वो किराने की दुकान मेरी अपनी खुद की है, और फिर मैंने एक दुकान जो है वो किसकी खोल रखी है, मैंने ही अपनी दुकान जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खोल रखी है, तो मेरी ही दोनों दुकानें, यहाँ का माल मैं यहाँ पे आसानी से खपत कर देता हूँ, ऐसा न हो, इसीलिए भारत सरकार क्या कह रही है कि फेयर प्राइस शॉप्स को लेकर करिए। दूसरा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ फूड ग्रेन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कुछ और नहीं होता, इस फार्मर से लेके यहां तक आते आते तो पूरा का पूरा कंप्यूटराइजेशन करिए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी बात है, तो ऑनलाइन जो ग्रीवांसेस हैं या ऑनलाइन आप फोन करिए, नंबर उनको अलॉट करिए, हर राज्य नंबर अलॉट करे, और उस राज्य की हेल्पलाइन नंबर पे अगर कोई कहता है कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है या वो राशन कार्ड लेके गया और उसके नाम पे पहले ही किसी ने खाना उठा रखा है या खाद्य उठा रखा है, तो उसके ग्रीवांसेस को टच किया जाए और कहीं ना कहीं उस ग्रीवांसेस को दूर करने का काम किया जाए। इस दिशा में भारत सरकार अभी क्या है, भारत सरकार काम कर रही है, और इसी दिशा में भारत सरकार ने बढ़ते हुए आज क्या किया, कल की जो घटना घट रही है, कल की जो घटना घटी, कल की घटना क्या घट रही है, कल की घटना को मैंने आपको अगर बताया कि कल क्या किया गया, कल यहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा था, उस राशन कार्ड के फर्जीवाड़े को दूर किया जा रहा है। वो राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा कैसे सामने आ रहा है, क्योंकि जो ये कंप्यूटराइजेशन हो गया, पूरी की पूरी तरह से कंप्यूटराइजेशन हो गया, और इस कंप्यूटराइजेशन या डिजिटलाइजेशन के कारण जो है ये घोटाला सामने आ रहा है, और इसको कहीं ना कहीं जो आपका उपभोक्ता सार्वजनिक खाद्य मंत्रालय है उसने इसको गंभीरता से लेते हुए अब क्या किया कि पूरी तरह से ये जो है ये इन राशन कार्ड्स पे पूरी तरह से ब्लॉक होगा, और अगर ये ब्लॉक होता है तब जाके रियलिटी में, याद रखिएगा, जो सही लोग हैं, पता है इस देश में लीकेज की बहुत समस्या है। राजीव गांधी ने कहा था कि हम यहां से 100 पैसा देते हैं केंद्र से, और वह राज्य तक और गांव तक आते आते, मतलब अगर दिल्ली 100 पैसा देता है, 100 पैसा का मतलब 1 रुपया समझिएगा, 1 रुपये, तो राजीव गांधी का स्टेटमेंट उस जमाने में था कि दिल्ली 1 रुपया देता है, और मान लीजिए मैं किसी एक स्टेट का नाम ले लेता हूं मुंबई, तो मुंबई अगर राजधानी है तो वो उसके स्टेट तक आते आते 50 पैसा हो जाती है, और उस स्टेट से आते आते डिस्ट्रिक्ट तक, मान लीजिए सतारा एक डिस्ट्रिक्ट है, सतारा तक आते आते 25 पैसा हो जाती है, और उस डिस्ट्रिक्ट से उस गांव में विलेज में पहुंचते पहुंचते वो जो पैसा है, जो मतलब काम का पैसा है या जो वहां लक्षित समूह है, जो टारगेटेड लोग हैं, उन तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाती है। तो सोचिए कि दिया कितना गया, 1 रुपया, और पहुंच कितना रहा है, 15 पैसा पहुंच रहा है, तो जो 1 रुपये की व्यवस्था थी वो पहुंचते पहुंचते 15 पैसा या 10 पैसा हो गई। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसी चुनौती को दूर करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और भारत सरकार इस दिशा में काम करते हुए एक तो ये कंप्यूटराइजेशन या डिजिटलाइजेशन कर रही है, और दूसरा भारत सरकार चाहती है कि वन नेशन वन राशन कार्ड भारत सरकार चाह रही है कि इस दिशा में भी भारत सरकार क्या करे, भारत सरकार अपने आप को इस दिशा में बढ़ाए, क्योंकि वन नेशन और वन राशन कार्ड होगा तो कोई कहीं पे भी है। अभी क्या दिक्कत है, मान लीजिए मैं यूपी का हूं या फिर चंदा, मैं मान लीजिए राजस्थान का हूं और राजस्थान का भरतपुर का रहने वाला हूं, और मैं गरीब हूं, मैं क्या हुआ कि मैं वहां से चल दिया, बीपीएल का मैं कार्ड हो रहा था, मैं आ गया काम की तलाश में लखनऊ, या मैं आ गया बॉम्बे, अब चूंकि मेरा जो राशन कार्ड है वो यूज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा राशन कार्ड तो राजस्थान का था। अब क्या है, तो भारत सरकार ये चाहती है कि आप इस देश के नागरिक हैं और आप कहीं पे भी रहें, आपकी जिम्मेदारी भारत सरकार की जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं अगर हम वन नेशन वन राशन कार्ड होंगे तो ये जो खाद्य है वो आप किसी भी फेयर शॉप पे चले जाइए, जो भारत जो उस राज्य सरकार की लक्षित फेयर शॉप होगी, तो वो आपको क्या करेगा, आपके कार्ड को देखेगा, और कार्ड को देखने के बाद चूंकि कंप्यूटर है, 1 मिनट में आपकी पूरी आईडी स्कैन हो जाएगी, स्कैन होके ये देख लिया जाएगा आप कहाँ के, किस गांव के रहने वाले हैं, किस तहसील के रहने वाले हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, किस स्टेट के रहने वाले हैं, और कितना भारत सरकार आपको अलॉटमेंट कर रखा है उतना अनाज आपको दे देगा, और वो पर्ची जो है वो कहाँ है, वो पर्ची अपना वो जो फेयर शॉप वाला है वो भेज के उसको अपना पैसा ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इस तरह से कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, और इस तरह से कहीं ना कहीं चीजों में बेहतरीन हो जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा। अब एक चंदा कुमारी जी का एक क्वेश्चन था जो सबसे इंपॉर्टेंट था। देखिए, क्लास इंटरेक्टिव क्लास है और इसमें क्वेश्चन मैं कमेंट्स देखता भी हूँ और चीजों को लेता भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चीजों में चूंकि खाली मैं पढ़ाता रहूं और किसी को कुछ समझ में ना आए तो ये संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चंदा कुमारी जी ने एक बात पूछी मुझसे कि सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहां पर
जो खाने की क्वालिटी है, जो फूड क्वालिटी है, तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि यहाँ पर अब तक क्या हुआ, अब तक सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया जा रहा है। एक तो हमसे हमको जो है किसानों से खरीदारी पे ध्यान दिया जा रहा है, और किसानों को खरीदने के बाद उसको क्या करना, भंडारण पे ध्यान दिया जा रहा है, और भंडारण के बाद जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो वितरण पे दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे दिया जाता है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी लोग उठाने वाले हैं, उठा रहे हैं कि एक ये दो ब्लॉक और ये तीन ब्लॉक, तो यहां पर आपने क्या किया, ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर यहां पर क्या है स्टोरेज, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों काम क्या यहाँ पे, ये तीनों काम का पे एफसीआई का होल्ड है। तो यहां पर ये हो रहा है कि जो फूड ग्रेन्स की क्वालिटी आ रही है, जो अनाज पहुंच रहा है, जो अनाज कहाँ पहुंच रहा है, जो अनाज पहुंच रहा है उस उपभोक्ता तक, उस अनाज का जो क्वांटिटी क्वालिटी है वो बड़ी कम, मतलब अच्छी नहीं है, ऐसा ये है। क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर 100 किलो क्या है गेहूं है, तो इस 100 किलो गेहूं में 10 किलो कंकड़ जो है वो क्या होगा, इजिली एडजस्ट हो जाएगा और ये 110 किलो गेहूं हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो समस्या है ये प्रोड्यूसर के लेवल पे और स्टोरेज के लेवल पे आ जा रही है, प्रोड्यूसर स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे आ रही है, और यहां पर भी मिलावट होती है, यहां पे भी मिलावट हो रही है। स्टोरेज में मिलावट है कि 50 किलो बेच दिया, और उस 50 किलो को क्या करना, सही करना है, या उसको उस मतलब जैसे 50, अगर 100 किलो गेहूं था तो 50 हमने बेच दिया और 50 से बचाए, तो 50 किलो उसको कैसे हम 100 किलो बनाए, तो कहीं ना कहीं उसमें गंदगी और चीजें ये मिलना, तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वालिटी खराब होना मिलावट से, यहाँ मिलावट से खराब होना, और डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे भी मिलावट होना, तो ये चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसी इन्हीं सब प्रॉब्लमों से निजात पाने के लिए भारत सरकार हर चीज पे काम कर रही है, क्वालिटी पे भारत सरकार अभी भी ध्यान देने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भारत सरकार का जो फूड फोर्टिफिकेशन का नियम आ रहा है, सही बात है पूजा, फूड फोर्टिफिकेशन है वो क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन भारत सरकार इसीलिए चाह रही है कि भैया कम अनाज लो, 1 किलो अगर आप खा लेते हैं गेहूं, या 1 किलो चावल, अगर आप मान लीजिए 4-5 किलो आप चावल खाते हैं, तो वो ऐसा चावल हो कि आपकी क्या हो, हेल्थी और न्यूट्रिशियस डाइट हो, ताकि जो है पोषण युक्त भारत बन सके। क्वालिटी पे एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है, और अगर आप कभी आलोचना लिखना चाहते हैं, कभी आलोचना करना चाहते हैं, तो आलोचना में आप लिखेंगे कि अभी तक जो समस्याएं यथावत बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर या स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो खाद्य पहुंचता भी है लोगों तक, जो एक्सेसिबिलिटी है, आपने क्या कहा, जरा जरा ये देखिए यहाँ पे आपने क्या कहा, यहाँ पे आपने कहा ना कि एक्सेसिबिलिटी, फूड सिक्योरिटी कब होगी, जब खाने की उपलब्धता होगी, उपलब्ध होगा जो जो गेहूं है वो उपलब्ध हो, और अगर उपलब्ध है और लोगों तक पहुंच ना हो, मतलब लोगों तक वो पहुंचे ही ना, तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और अगर पहुंचे तो उसमें स्टेबिलिटी हो, ऐसा ना हो कि 2 महीना रहे और 2 महीना ना रहे, तो स्टेबिलिटी हो, और उस गेहूं का यूटिलाइजेशन वो आदमी जरूर जानता हो, तो इसी को फूड सिक्योरिटी कहा जाता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो एबिलिटी तो ठीक है, एक्सेसिबिलिटी भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूटिलाइजेशन है, जो यूटिलाइजेशन है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशियस नहीं है, और इसलिए कभी भी फूड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह से आप आंसर को अपने लिख सकते हैं, और आप इस आंसर को, चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी और अवेबिलिटी में ये ध्यान दे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, या जब किसानों से, तो मिलावट की चीजों पर रोक लगे, इस पर भी ध्यान देने के लिए आप बोल सकते हैं, तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। ये हो गया आज का टॉपिक, इज इट क्लियर, कुछ समझ में आया बेटा। विष्णु आईपीएस साहब, सोनम साहब, पूजा साहब, अरोमा यादव, बहुत लेट हो गई बेटा तुम आज तो, साहब कुमार, रिंकी रानी, पंकज पाठक, सारे लोग जितने भी, हिना खान, हिना राव, श्रीकेश मौर्या, विभा सिंह, आया बेटा समझ में आया? साहब कुमार यादव, जी सर, विष्णु आईपीएस क्लियर सर, सोनम, यस सर। विष्णु पता है, विष्णु सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पता है एक बात मेरी, बहुत ध्यान से सुनना विष्णु, पता है अगर टीचर और स्टूडेंट में कभी अगर मतलब ये कनेक्टिविटी ना हो, तो कभी भी क्लास बहुत इफेक्टिव नहीं हो सकती है। टीचर खाली आए और बोलता चला जाए, ये कभी इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए मैं ज़रूर संवाद स्थापित करने की कोशिश करता हूँ। और कहीं पे भी आप घबराइए मत, मैं आपके हितों का पूरी ध्यान रखूंगा, कहीं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं खाली बकवास कर रहा हूँ। मैं टॉपिक पढ़ाने के दौरान जब खत्म होता है या जहां लगता है वहीं पे मैं बात करता हूँ, ठीक है? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग जो है,
थोड़ा सा चीजों को आगे चलते हैं और एक खबर और लेते हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात पता है, एक चीज जो मैं नहीं कर पा रहा हूं और कहीं ना कहीं आप लोग भी मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन। पता है मेंस का क्वेश्चन करना जरूरी है। कल संडे है, कल 100% करेंगे। कल संडे है, कल करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा उस पर डिस्कस किया जाएगा। ये काम कल 100% किया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये नहीं करेंगे तो पढ़ के बहुत, देखो याद रखना, कम खाइए बेहतर खाइए, कम पढ़िए बेहतर पढ़िए, कम पहनिए बेहतर पहनिए। एक ही जीन्स हो हमारे पास या एक ही लोअर हो, और वो लोअर जो है वो नाइकी की या रिबॉक की हो, कि पहन के कहाँ जहां निकल रहे हैं वहां ठीक लग रहा है। इस पे हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहे हैं तो बेकार है सर, बेकार हो जाएगा सब कुछ, ज्ञान बेकार हो जाएगा। ज्ञान क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, जो पान है वो पत्ता सड़ जाता है अगर उसको फेरा नहीं जाता है, और कहीं ना कहीं घोड़ा जो है वो अड़ जाता है अगर वो नहीं। और विद्या के साथ ये भी है, विद्या को फेरा, विद्या को फेरने का एक ही तरीका है कि उसको यूटिलाइज करिए। आंसर यूटिलाइज कराता है, याद रखिएगा, आंसर आपको यूटिलाइज कराता है। पीटी और मेंस दोनों यार, पीटी और मेंस दोनों याद रखना, पीटी और मेंस दोनों, और मेंस ज्यादा, क्योंकि मेंस से ही पीटी निकलता है, पीटी से मेंस कभी नहीं निकलता, याद रखिएगा। ये कभी गलतफहमी में फंसिएगा भी मत, मेंस से पीटी निकलता है, पीटी से मेंस नहीं निकलता है। आप कभी देखिएगा जो 50% बच्चे या 60% जो होंगे जिनका मेंस लगातार मेंस निकाल रहे हैं, वो अक्सर पीटी निकाल रहे होंगे, उसमें 70% बच्चे निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेंस पे उनकी बेहतर पकड़ हो चुकी होती है, तो इसलिए पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये है, चलते हैं हम लोग थोड़ा सा एक खबर और लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई कल। उस खबर को मैं थोड़ा सा आपके लिए डिकोड कर दे रहा हूं। कल एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, उसमें इंपॉर्टेंट खबर में ये है कि जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं, हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति साहब हैं, उन्होंने अपने संविधान के प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, संविधान में जो अधिकार हैं, जो उनको मिला है, जो उनको संविधान के तहत प्रदत्त किया गया है, उस अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्होंने आर्टिकल 217 या आर्टिकल 217 का 217 का उपयोग उन्होंने किया, और उसका उपयोग करते हुए उन्होंने कल जो है न्यायमूर्ति संजय कुमार जी मेधी साहब का और न्यायमूर्ति नानी टेगिया और न्यायमूर्ति मनीष चौधरी जी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने नियुक्ति कर दी है। तो ये है कल मिला के, कल की कुल मिला के एक न्यूज़ कि कैसे जो है वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं या जो प्रेसिडेंट महोदय हैं उन्होंने अपने शक्ति का उपयोग किया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखिए आप याद रखिएगा, मेरे सारे लोग जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूपीएससी का पीटी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि पॉलिटी की कोई भी क्वेश्चंस, पॉलिटी में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इजी होते हैं, ये बहुत टफ नहीं होते हैं। जिसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी भी ठीक हो गई उनको ये इजी हो जाता है। मैं अपने सभी छात्रों से इसलिए कहता हूँ, पीटी निकालने के क्रम में सबसे पहले तैयार करें पॉलिटी, और पॉलिटी तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कि आज मान लीजिए मैंने इस पे बात कर दी कि भाई जुडिशरी पे कल ये मामला आया हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए की, तो आज हमारा ये जरूर घर पे टॉपिक पढ़ने का होना चाहिए, ठीक है? आज हमारा ये जरूर ध्यान रख आज हमको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट साहब जो है हम जाके घर पे कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत की किताब उठाएं, और लक्ष्मीकांत की किताब उठाने के बाद जरूर से ये बात पढ़ लें कि प्रेसिडेंट हाउ कैसे प्रेसिडेंट इसको करता है, प्रेसिडेंट की क्या क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, वो कैसे वर्क करते हैं, वो कैसे क्या क्या चीजें, ये सब आप कर लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के चीज़ों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए कैसे पढ़ा जाता है किसी चीज़ को, कैसे पढ़ा जाता है ये मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जो भारतीय संविधान के अनुसार अगर आप देखें, तो अगर आप भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय को देखने की कोशिश करेंगे, कभी जो है उच्च न्यायालय के न्यायपालिका को सर्वोच्च देखने की कोशिश करते हैं, अगर एक सेकेंड बस होल्ड करिएगा, एक सेकेंड बस होल्ड करिएगा,
अगर आप हाई कोर्ट को देखते हैं, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट को देखते हैं, स्टेट के हाई कोर्ट को देखते हैं, हाई कोर्ट को देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूं, इतिहास के उन पन्नों में लेके चलता हूं जहां से इसकी शुरुआत होती है। किसी भी चीज को पढ़ा कैसे जाता है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग ने इसकी शुरुआत की थी। जो लॉर्ड कैनिंग महोदय थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और शुरुआत जो है 1862 में, उन्होंने 1862 में इसकी स्थापना की, और 1862 में पहली बार तीन जो है एक साथ उन्होंने बनाया। इस तीन का नाम है, जैसे मद्रास था जो अभी वर्तमान में चेन्नई हो गया है, मुंबई था, मद्रास था, मुंबई था, और जो है कहीं ना कहीं मद्रास, मुंबई, बॉम्बे उसको बोला गया, ठीक है। ये चीजें महाराष्ट्र, मुंबई और कलकत्ता, एक ये कलकत्ता, इस तीनों में एक साथ लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में मद्रास, मुंबई और कोलकाता में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना जो है ये हो रही है लॉर्ड कैनिंग के समय। इसके लॉर्ड कैनिंग के होने के समय के बाद अगर आप जाते हैं, हाँ, साहब कुमार यादव, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, एकदम सही है। उसके बाद आप जाते हैं तो 1866 के आसपास आते हुए जो है इलाहाबाद की यह स्थापना होती है, हाई कोर्ट के रूप में इलाहाबाद की स्थापना होती है। तो ये थोड़ा सा आपको जरूर से देख लीजिएगा इन चीजों को। फिर 1866 के बाद अगर आप देखें तो 1866 के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट आता है। तो ये तीन का क्रम तो कम से कम आपको आना ही चाहिए, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, इलाहाबाद और कर्नाटक। और भारत जब आजाद होता है तो जो पहला हाई कोर्ट की स्थापना होती है, वो पहले आजाद भारत के हाई कोर्ट में स्थापना में जिसका नाम आता है वो है चंडीगढ़ का, जो है चंडीगढ़ का आता है। तो ये थोड़ा सा, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको लगती होगी कि फैक्ट है, नहीं ये फैक्ट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। जब आप किसी चीज को लगातार देखते रहते हैं तो जो तथ्य होते हैं वो तथ्य भी आपके दिमाग में ऑब्जर्वेशन से आ जाते हैं। जैसे हम किसी रास्ते से जाते हो तो वहां पत्थर हो तो ये पत्थर वहां रखा हुआ ये फैक्ट है, लेकिन आप उसको देखते देखते ऑब्जर्व करते करते ये समझ चुके होते हैं कि यहाँ पत्थर है, इससे थोड़ा बच के निकलना है। तो ये फैक्ट्स आपको अभी लगेंगे, लेकिन फैक्ट्स को आप देखते देखते क्या हो जाएगा, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको आत्मसात हो जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग वाली घटना, फिर उसके बाद इलाहाबाद, फिर उसके बाद कर्नाटका, और कहीं ना कहीं आजाद भारत में चंडीगढ़। इस तरह से एक लंबा इतिहास है भारत में हाईकोर्ट का। और इस हाईकोर्ट में अगर आप थोड़ा सा देखें, ध्यान से देखें, तो हाईकोर्ट में अगर आप जजेस की नियुक्ति को देखेंगे कि जजेस की नियुक्ति कैसे हो रही है, तो जजेस की नियुक्ति में अगर आप जाते हैं कि जजेस की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो यहां पर जो न्यायाधीश के लिए अर्हताओं का शब्द है कि न्यायाधीश के लिए क्या अर्हताएं हैं, तो मैं आपके लिए न्यायाधीश की अर्हताओं में थोड़ा सा आपको अर्हताएं बता देता हूं कि क्या क्या अर्हताएं हैं। अर्हताओं का मतलब होता है क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो ये क्वालिफिकेशन में अगर आप पहले किसी क्वालिफिकेशन को जाए तो आपको आर्टिकल कौन सा देखना पड़ेगा, 217 आपको देखना पड़ेगा। 217 का दो में क्वालिफिकेशन पे बात की गई है, और उस क्वालिफिकेशन में जो पहली क्वालिफिकेशन है कि कम से कम वो भारत का क्या हो, इंडियन का सिटीजन हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा अगर आपको देखना है कि दूसरा वहां पर क्या है, तो भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक वो किसी न्यायिक पद पे धारण होना चाहिए। भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत में, पूरे इंडिया में, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर वह धारण कर चुका हो, तो वहां पर 10 ईयर्स का एक वो बनाया गया है। और इसमें क्या है, पूरे इंडिया में वो कहीं ना कहीं जो है, अगर उसकी सर्विस पीरियड को देखा जाए तो मान लीजिए 2 साल यहाँ है, 2 साल यहाँ है, 2 साल यहाँ है, तो इस तरह से 10 ईयर होना चाहिए, कम से कम 10 साल का एक न्यायिक जो पद है वो धारण किया हो, अथवा एक या एक से अधिक राज्यों में के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, 10 साल का या तो न्यायिक या तो कोई जुडिशियल पद उसके पास हो, जुडिशियल पद हो, ये हो, सिटीजन होना चाहिए, जुडिशियल पद होना चाहिए, और नहीं तो कहीं ना कहीं वो क्या हो, एक लॉयर जिसको कहा जाता है, या अगर और अंग्रेजी का अच्छा शब्द लेना चाहते हैं तो आप लोग, हो सकता है नाम सुनना बंद कर दिए हूं, बैरिस्टर, बैरिस्टर का नाम सुने हैं, बैरिस्टर, ठीक है, 10 वर्ष तक कम से कम अधिवक्ता रह चुका हो। अगर ये चीजें क्या हैं, अगर ये चीजें मतलब होती हैं उस व्यक्ति के पास, तो क्या होता है, वो अहर है। और ये कैसे नियुक्ति कैसे होती है, तो इस क्वालिफिकेशन पे जो जजमेंट होता है वो जजमेंट करता कौन है, तो जजमेंट करता है प्रेसिडेंट करता है। और जब ये प्रेसिडेंट जजमेंट करता है तो उसमें जरा मेरी बात सुनिएगा, अगर वो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कर रहा है तो वो जजमेंट लेते समय क्वालिफिकेशन को तो ध्यान में रखेगा ही, प्लस वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं सुझाव लेता है, या आप कह सकते हैं
कि वो राष्ट्रपति क्या करता है कि जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो परामर्श करता है, और उस परामर्श में हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते समय वो परामर्श किससे करता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि परामर्श किससे करता है। परामर्श अगर वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जो कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस है। मान लीजिए मैं असम की में नियुक्ति हुई है तो असम में ही मैं ले लेता हूं कि असम का जो चीफ जस्टिस होंगे जो वहां के, उनसे पूछा गया होगा कि आप बताइए कुछ। दूसरा उन्होंने क्या कहा हो गया, दूसरा उस राज्य का जो राज्यपाल होगा, जो राज्यपाल महोदय हैं उनसे बात की गई होगी, तो चीफ जस्टिस ऑफ असम से बात की गई होगी और राज्यपाल महोदय से बात की गई होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट के जज को जब किया गया होगा तो चीफ जस्टिस से बात की गई होगी और राज्यपाल महोदय से बात की गई होगी, और फिर जो है एक और हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, इनसे भी राय परामर्श करके हाई कोर्ट के जज को। तो जो आज वर्तमान में आप लोगों को देख रहे हैं वो उनकी नियुक्ति जो है, जो आज जो नाम आए हुए हैं प्रकाश में, कि ये प्रकाश का मतलब है जो जिनके जिनका नाम लिया गया कि ये लोग बनेंगे असम में, तो उस हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ असम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल महोदय का कंसेंस लिया गया होगा, और उस कंसेंस के आधार पे जब ये क्राइटेरियाज वो पूरा कर रहे होंगे, उन क्राइटेरियाज को पूरा करने के क्रम में हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने, हमारे महामहिम राष्ट्रपति साहब ने एक क्या किया होगा, मुहर लगाया होगा कि ये लोग जो है वो क्या हैं, ये लोग आज से असम में या किसी राज्य में नियुक्त होते हैं एज ए जस्टिस ऑफ एन हाई कोर्ट। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब को अगर क्या है यही कहीं स्टेट का अगर उसको चीफ जस्टिस बनाना है तो यहाँ पे सीजीआई को अगर लेना है तो यहाँ पर सीजीआई को अगर लेना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का सीजे करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे पूछेगा अगर उसको किसको नियुक्त करना है। मान लीजिए उसको गलती से असम के चीफ जस्टिस को ही नियुक्त करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेगा और वहां के राज्यपाल से बात करके वहां पर नियुक्ति करेगा। तो ये है कुल मिला के मामला। कल ये खबर आई कि ये फाइनली, ये बहुत दिन से आ रही थी, कल फाइनली ये नाम डिस्क्लोज किया गया, नाम डिस्क्लोज किया गया है जो है इनका, मैं एक सेकंड बस, नाम डिस्क्लोज किया गया है, नाम डिस्क्लोज किया गया संजय कुमार मेधी साहब का, न्यायमूर्ति नारायण टगेदिया का, न्यायमूर्ति मनीष चौधरी साहब का, इनका नाम कल ये मेंशन किया गया कि इन लोगों को बनाया गया अनुच्छेद 217 के अंतर्गत भारत के संविधान की द्वारा जो दी गई शक्तियां हैं। अब देखिए इतना तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये चीजें हैं, लेकिन यहां तक ही बात नहीं होगी। अब आपको थोड़ा सा जाके क्या है कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, इस पे प्रश्न चिन्ह उठता कैसे है, न्यायिक जो न्यायिक अवधारणा है या जो पूरा न्यायालय है उस न्यायालय में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, उनको जरूर से आप लोग एक बार कवर करिएगा। आज के लिए इतना ही है, ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं मेरी, यहां पर इतना ही रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। और मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आज सोसाइटी की हम लोग क्लास करने जा रहे हैं, आज से क्लास रेगुलर होगी। क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, चूंकि आप लोगों से वादा किया था कि 4 से 5 रहेगा, लेकिन 4 से 5 न हो के क्लास हो सकता है या तो 5 से 6 या तो रात में वही 10 से 11 जो हम लोग करते हैं एक दिन के लिए, कल से फिर वही 4 से 5 हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं, 4 से 5 यहाँ रहेगा, 4 से 5 यहाँ पे चीजें रहेंगी। आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ढेर सारी शुभकामनाएं। साहब कुमार यादव जल्दी से क्या है कंफ्यूजन बात करो, जल्दी से बात करो क्या है कंफ्यूजन। आयुषी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अरोमा थैंक यू, अरोमा क्लास प्लीज लेना। आफ्टर फ्रीडम नेक्स्ट हाई कोर्ट गुवाहाटी बना, नहीं नेक्स्ट हाई कोर्ट आप जाके जरा चेक करिएगा, इफ आई रिमेम्बर इट इज एन जो है वो चंडीगढ़ है, भारत की आजादी के बाद स्थापित होने वाला पहला उच्च न्यायालय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, प्लीज जाके देखिएगा। आफ्टर फ्रीडम नेक्स्ट हाई कोर्ट गुवाहाटी बना, एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना। साहब कोई है क्या, कोई चेक करके बता सकता है क्या हम लोगों को, इज इट देयर, कोई ऐसा है जो चेक करके हमको बता सकता है। भारत की आजादी के बाद स्थापित होने वाला पहला उच्च न्यायालय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है। ठीक है, सही हो गया यादव साहब, इज इट राइट। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम को मिलते हैं, और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो दिनेश सिंह के नाम से जुड़िएगा,
दिनेश सिंह के नाम से आप लोग जुड़िएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को।